नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द एजुकेशनल राज पर। और इससे पहले मैंने हिंदी की शुरुआत की थी एक वीडियो बनाकर, जिस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, तो उसी को देखते हुए मैंने हिंदी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला तथा उच्चारण स्थान के बारे में, तथा कुछ बात करेंगे मात्रिक और अमात्रिक शब्द के बारे में, आपको अच्छी जानकारी दूंगा। तथा इसके बाद मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा जिनकी संभावनाएं हैं एग्जाम में पूछे जाने की, तो उस पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए थे, तथा जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से आपको जो है समझाया था। तो उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर हिंदी वर्णमाला के बारे में, और जानकारी अच्छी तरह से पूरी आपको मैं बताऊंगा पूरी जानकारी। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए नए आए हैं, अगर वो वीडियो भी नहीं देखा इसके पहले वाला, तो वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा लिंक, या वीडियो के इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, समझाया है। तथा अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं या लाइव टेस्ट लूं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी वर्णमाला तथा उच्चारण स्थान के बारे में। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो भाव है, जो हम अपने मन की बात किसी से कहते हैं, तो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसी अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं दोस्तों, उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा में जो है, भाषा छोटे छोटे वर्ण या ध्वनि से मिलकर बना है भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि जिसे कहते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं, वर्ण या ध्वनि कहते हैं सबसे छोटी इकाई को। सभी चीज़ें किसी ना किसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अणु परमाणु की बात करते हैं, तो अणु भी जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तथा उसी प्रकार बात करते हैं अगर परमाणु की, तो परमाणु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। उसी प्रकार हमारी भाषा भी छोटे छोटे ध्वनि या वर्ण से मिलकर बनी हुई है। और आज हम इसी पर बात करेंगे, वो भी हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है दोस्तों? वर्ण या ध्वनि होती है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आप शायद छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो हिंदी वर्णमाला क्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो आ से ज्ञा तक जो छोटे छोटे अक्षर हैं या वर्ण हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनके व्यवस्थित क्रम को जो है हम, यानी कि अक्षर या वर्ण के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। अगर अक्षर इधर उधर आगे पीछे हो जाए तो उसे वर्णमाला हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। दूसरा है वर्णों की व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला जो है, इसके दो प्रकार से उसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्वर। हिंदी वर्णमाला में पहला आता है स्वर। आपको पता होगा कि जो है छोटा आ जिसे आप बोलते हैं, आ से ज्ञा तक जो है ये हमारी हिंदी वर्णमाला है पूरी। और बात करते हैं स्वर की, तो जो है स्वर, पहला है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो स्वर में कौन कौन से वर्ण या अक्षर आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वर है आपका आ, आ से औ तक ये आपका मेन स्वर है। इसके बाद आपका एक है, पहले इसे किस तरह से पढ़ते हैं हम आप देख लीजिए, इसे पढ़ते हैं, इसे कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? आ, इसे पढ़ेंगे आ, आ आ ई ई उ ऊ री इसे पढ़ते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। फिर ए आए ओ आओ, इस प्रकार इसका जो है उच्चारण हम करते हैं। इसके बाद ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, आ के ऊपर छोटा सी बिंदी रखा हुआ है, तो इसे अनुस्वार स्वर कहते हैं। क्या मित्रों? अनुस्वार स्वर कहते हैं। तथा आहा जिसे आप पढ़ते हैं, छोटा आ लिख के बुंदी इस प्रकार विसर्ग वाला, तो इसे जो है विसर्ग स्वर भी कहते हैं।
तो ये हमारा स्वर हो गया इसमें, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की दोस्तों, तो व्यंजन में आप देख सकते हैं ये आपका पूरा व्यंजन है। तो यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो है आप देख सकते हैं व्यंजन है आपके। तो का वर्ग में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा, इसे आप पढ़ते हैं। इसके बाद चा वर्ग में आपका आता है चा, छा, जा, झा, इया पढ़ते हैं इसे आप। टा वर्ग में आपका आता है टा, ठा, डा, ढा, ढा, ये भी जो है इसी का रूप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का रूप है। नीचे जो है बूंदी रखी गई है, तो ये भी व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार ता वर्ग देख सकते हैं आप, ता, था, दा, धाना। तो बात करते हैं का वर्ग की दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप इसे कंठ व्यंजन भी कहते हैं। का वर्ग को जो है का, खा, गा, घा, अंगा को जो है कंठ व्यंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार चा वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं, टा वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, और ता वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन, कंठ से जो यहाँ से जो विकार उत्पन्न होता है बोलते समय इनके उच्चारण से, यहाँ कंठ व्यंजन। तालव्य व्यंजन दोस्तों और मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर ऊपर होता है। इस पर मैं आपको एक अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा उच्चारण स्थान से संबंधित, काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें आपको बताऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों। इसके बाद आप ता, ता जो है आप बिना अपने जीभ को दांत से जो है मिलाए नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार ता जो है देखिए यहाँ पर ता वर्ग ये दंत व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं। इसके बाद पा, बिना होठों को मिलाए आप इनका उच्चारण काफ़ी कठिन हो जाता है, तो इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, अपने ओष्ठ को मिलाकर बोलने। इसके बाद देखिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या चार प्रकार के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों या, रा, ला और वा, ये चारों जो है आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन क्या है दोस्तों, सा, सा, हा और हा, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। बड़ा सा इसे आप पढ़ते हैं बड़ा सा, छोटा सा, हा, और ये आपका है जिसे आप खट्टी सा पढ़ते हैं या इसे भी सा पढ़ते हैं। ये तो ये तीनों सा और हा, ये जो चारों जो है ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। अब संयुक्त व्यंजन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ज़्यादातर। और संयुक्त व्यंजन आप देख लीजिए, ये छा, कच्छा वाला जिसे आप कच्छा लिखते हैं, कच्छा, तो ये छा जो है यहाँ पे, ये संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन होता क्या है दोस्तों, जब दो प्रकार के व्यंजन मिलकर आपस में जो है एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वहाँ संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में आप देख सकते हैं छा, इसके तरह तरह इस तरह भी लिखा जाता है दोस्तों, तरह ज्ञा स्रा, ठीक। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जैसे छा कच्छा अलावा कच्छा वाला है, तो कच्छा लच्छा ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है, या तरह किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। तो मैंने इसकी जानकारी नीचे आपको देखिए बता दी है, छा कच्छा लच्छा आधा का और खट्टी सा से मिलकर बना हुआ दोस्तों, किससे, आधा का और खट्टी सा से मिलकर आपका ये छा बना हुआ है। और तरह तरह ये दोनों तरह इसी प्रकार से दोनों प्रकार से लिख सकते हैं आप, तो ये देख सकते हैं आधा ता, आधा ता और रा, ये दोनों मिलकर बनाते हैं तरा या तरा बनाते हैं दोस्तों। अब अगला बात करते हैं अगले संयुक्त व्यंजन की, तो यहाँ पर आधा जा और इया मिलकर दोस्तों मिल क्या बन जाता है, ज्ञा, आधा जा और इया मिलकर बन जाता है ज्ञा। इसी प्रकार आधा बड़ा शाह, आधा बड़ा शाह और रा मिलकर बन जाता है आपका शरा, शरा मिल जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे बढ़ते हुए मात्रिक तथा अमात्रिक शब्द। तो मात्रिक तथा अमात्रिक शब्द होते क्या हैं, कि जिन शब्द में, जिस शब्द में शब्द कैसे बनते हैं, कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में, वर्ण या अक्षर जिन्हें कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर आपस में मिलकर एक भाववाचक ध्वनि को प्रकट करते हैं, जिसकी कोई और जिसका कोई अर्थ हो, आम भाषा में कह सकते हैं, उसे जो है शब्द कहते हैं।
मात्रिक शब्द क्या होता है और अमात्रिक शब्द। तो जब किसी शब्द के किसी ना किसी अक्षर में अगर किसी प्रकार के मात्राएं किसी प्रकार की मात्राएं लगी होती हैं तो उसे मात्रिक शब्द कहते हैं। और जब शब्द के किसी भी वर्ण या अक्षर में जो है किसी भी प्रकार की मात्राएं ना लगी हों तो उन्हें अमात्रिक शब्द कहते हैं दोस्तों। तो जैसे मात्रिक शब्द में आप देख सकते हैं, मात्रिक शब्द यहाँ पर अनार लिखा हुआ है तो अनार में ना पे आ की मात्रा लगा है, ठीक। तो ये जो है मात्रिक शब्द हो गया। इसी प्रकार इमली में है ला पे बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ, ये भी मात्रिक शब्द हो गया। तरबूज में बा पे बड़ा ऊ की मात्रा है, ये भी मात्रिक शब्द हो गया। इसी प्रकार पिता भी है, ये दोस्तों सब मात्रिक शब्द है। जितनी प्रकार की वे शब्द होंगे जिन पर जो है मात्राएँ लगी होंगी। अमात्रिक में आप देख सकते हैं जल, ना जा पे मात्रा है ना ला पे है। इसी प्रकार अदरक है, नल है, टपक, नयन में इन शब्दों में जो है किसी भी वर्ण या अक्षर पर कोई किसी भी प्रकार की मात्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार तथा आगे भी इन्हीं की संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए देखते हैं, पहला है आपका क्वेश्चन है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। क्या दोस्तों कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं चार ऑप्शन हैं आपके, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? छा, यानी कि छा जो है यानी कि चा के बाद जो छा आता है ये आपका घोष नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो रिवाज, री आप रिवाज में आप री पढ़ रहे हैं लेकिन इस पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, री नहीं लिखा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है इस पर री की मात्रा नहीं है, इसमें री की मात्रा नहीं लगी हुई है। त्रा की ध्वनि है, तो देखिए आप यहाँ पर तरा यानी कि ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है त्रा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं री की मात्रा कैसे लगती है दोस्तों, यानी इसे नीचे आधारा लगा हुआ था उसे री की मात्रा कहते हैं, तो यहाँ पर ता में लगा हुआ है तो आधा ता और री मिलकर जो हो जाएंगे ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, आधा ता और री मिलकर हो जाएंगे तरा। अगला इसी प्रकार है हिंदी भाषा की वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं। तो स्वतंत्र रूप से किन्हें बोला या लिखा जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों बात आ गई यहाँ पर स्वर और व्यंजन की, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी ध्वनियाँ ऐसे वर्ण या ध्वनियाँ जिनको बोलते समय कंठ तालु से किसी भी प्रकार की रुकावट महसूस नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। वे जो है बिना किसी अवरोध के आसानी से निकल जाते हैं, जैसे आ आ ई ई। इसी प्रकार व्यंजन है, व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ या वर्ण जो जिनको बोलते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है कंठ या तालु आदि स्थानों से उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, उनको बोलने पर थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है उन्हें जो है व्यंजन कहते हैं। जैसे ता यानी कि जो है अपने माउथ को या मुँह को काफ़ी कार्य कराना पड़ रहा है उनको निकालने के लिए, नहीं तो आप स्वर में देख सकते हैं कि आ आ ई ई ऐसे निकाल रहे हैं लेकिन उनको ता था दा का खा गा इस प्रकार से जो है, तो ये जो है स्वर और व्यंजन हो गए। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे फिर मैं वीडियो लाता रहूँगा हिंदी पर टॉपिक वाइज टॉपिक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए तथा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मुलाकात।